और इस बम से पुतिन की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव को मिट्टी में मिलाना चाहती है। सवाल है कि क्या सच में ऐसा होने जा रहा है? Отечественной войны. Ура! यूक्रेन के दरवाजे पर परमाणु युद्ध। कमांड सेंटर में टॉप कमांडो के साथ मीटिंग कर रहे हैं पुतिन ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि रूस को बहुत बड़ी और भयानक परमाणु जंग करनी पड़ सकती है। पुतिन ने साफ इशारा कर दिया है कि इस एटमी जंग में नेटो के 32 देशों से सीधा मुकाबला होगा। इस जंग को वही जीतेगा जो सबसे पहले परमाणु मिसाइलों और बमों से हमला करेगा। ₹934 दिनों से चल रही रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के दरवाजे पर विनाशकारी परमाणु युद्ध होने जा रहा है। हम आपको पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का वो बयान दिखाने जा रहे हैं जिसके खौफ से ज़ेलेंस्की का खून सूखना शुरू हो चुका है, क्योंकि रूसी सूत्रों का दावा है कि रूस यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बम यानी फोब से सबसे विनाशक हमला करने जा रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अपने बयानों से इसका इशारा कर दिया है। ये स्पष्ट है कि अभी तक रूस ने बहुत ही संयम बरता है, लेकिन अब रूस की परमाणु प्रतिक्रिया बहुत बड़ी है। यह फैसला काफी जटिल है जिसे बदला नहीं जा सकता है। कई अहंकारी मंद बुद्धि वाले देश हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि रूस के धैर्य की परीक्षा लंबे वक्त तक नहीं ली जा सकती है। नगनितान्य इश्योदिन शक к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. Парамаду чанки таяри дхул ме мил джаега НЕТО. अगर पिछले 72 घंटों की बात की जाए तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए 2.5 साल से चल रही जंग भस्मासुर बनती जा रही है। वॉर मैप पर यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सेरिस्के ज़ेलेंस्की के साथ सर खपा रहे हैं। इधर नेटो देशों की मीटिंग में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी जाएं या नहीं। ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि अगर नेटो देश लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने की अनुमति रूस को रूस के मॉस्को तक दे दें तो हारी बाजी पलटी जा सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि पुतिन ने नेटो देशों के खिलाफ अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी है। रूस से लेकर बेलारूस तक रूस ने ऐसी जबरदस्त परमाणु युद्ध का चक्रव्यूह रचा है कि नेटो देशों की हालत खराब हो चुकी है। बमों के बाप से यूक्रेन पर हमला। जंग के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का ये वीडियो देखिए जिसमें पूरे रूस को एक बड़ी एटमी जंग के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का हम आपको वो बयान भी दिखाते हैं जिसमें उन्होंने एक ऐसे बम से हमला करने की बात कही है जिसमें पूरा यूक्रेन एक विशाल गड्ढे में बदल जाएगा, या ये कहें कि रूस बमों के बाप के नाम से मशहूर फादर ऑफ ऑल बम से यूक्रेन को भाप बनाकर उड़ा देगा।
रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा है कि रूस यूक्रेन के ऊपर फादर ऑफ ऑल बम यानी फोब से हमला करने जा रहा है। फादर ऑफ ऑल बम किसी परमाणु बम से कम नहीं होता है। इसीलिए मेदवेदेव ने यूक्रेन को धमकाते हुए कहा है कि यूक्रेन में जिस जगह पर रूसी शहरों की मां खड़ी थी वहां एक विशाल धब्बा रह जाएगा। यहां यह जानना जरूरी है कि मेदवेदेव रूसी शहरों की जिसे मां कह रहे हैं इसका सीधा मतलब यूक्रेन का कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव को मदर ऑफ ऑल रशियन सिटीज कहा जाता है, यानी रूस अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमों का बाप यानी फोब बम से हमला करके कीव का वजूद खत्म करने जा रहा है। महज 48 घंटे के अंदर पहले पुतिन ने यूक्रेन और नेटो को एटमी धमकी दी और अब रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने विनाशकारी हमले की चेतावनी दे दी है। इस धमकी का ही असर है कि ज़ेलेंस्की को अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे नेटो देशों से लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने की अनुमति मिलने की उम्मीद खत्म होती दिख रही है। इधर रूस के ताजा धमकियों से नेटो की हालत खराब है। जरा देखिए रूस के फादर ऑफ ऑल बम को क्यों परमाणु बम माना जा रहा है। फादर ऑफ ऑल बम यानी फोब का आधिकारिक नाम है ATBIP यानी एविएशन थर्मोबैरिक बम ऑफ इंक्रीज्ड पावर। 7,100 किलोग्राम वजन का ये रूस में बना बम अब तक का सबसे बड़ा बम है। इसकी विस्फोटक क्षमता 44 टन TNT के बराबर है। FOB एक थर्मोबैरिक विस्फोटक का इस्तेमाल करता है। हवा में विस्फोट करने की क्षमता के कारण ये विशेष रूप से विनाशक है। रूस के बम वर्षक बेड़े के सभी विमान फादर ऑफ ऑल बम को गिराने के लिए तैयार हैं। हालांकि मेदवेदेव ने नई डिलीवरी वाहनों के उपयोग की बात कही है जो ये संकेत देता है कि रूस बेहतर डिलीवरी विकल्पों पर विचार कर रहा है। रूस इस बम के लिए RS-28 सरमैट जैसी मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। ये अंतर महाद्वीपीय मिसाइल 10 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम है। Наращивает присутствие в Восточной и Центральной Европе, повышает боевую готовность и увеличивает численность коалиционных вооруженных сил. Совершенствуется военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи наших границ. छोला उठाकर भाग रहे ज़ेलेंस्की। इन हालातों को देखकर ज़ेलेंस्की के लिए दो ही रास्ते बचे हैं, या तो सरेंडर कर दें या फिर खुद ही यूक्रेन छोड़कर किसी सुरक्षित देश में पनाह ले लें। इधर बेलारूस और रूस की रणनीति बिल्कुल साफ है। यूक्रेन पर पूरी तरह से काबू करने के बाद नेटो, अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ सीधा जंग। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने बेलारूस से अतिरिक्त फौज मंगाई है। बी चिन्ह वाले बेलारूसी टैंक यूक्रेन की सीमा पर दिखाई दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने बेलारूस के साथ अच्छी तरह से परमाणु हमले की तैयारियां कर ली हैं। किंजल मिसाइलें बेलारूस से यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार हैं, जबकि रूस से मिले परमाणु हथियारों के साथ बेलारूस और रूसी सेना के टॉप कमांडर साझा हमले की रणनीति बनाने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन और बेलारूस सीमा पर बेलारूस ने 1,00,000 सैनिक पहुंचा दिए हैं। अब यूक्रेन और बेलारूस के बीच 1,084 किलोमीटर सीमा पर भयंकर जंग की पूरी तैयारी हो चुकी है। इधर यूक्रेन ने कहा है कि अगर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने सैनिकों को नहीं रोका तो बेलारूस के सैन्य अड्डे और सप्लाई मार्ग पर यूक्रेन हमले शुरू कर देगा। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ सेलेंस्की ने यह दावा किया है कि कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दुश्मन बड़ी कीमत चुका रहा है। इधर बेलारूस ने यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास गोमेर क्षेत्र में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हथियारों और सैन्य उपकरणों सहित बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। खबरों के मुताबिक 18 अगस्त 2024 तक बेलारूस की सीमा पर 1,20,000 से ज्यादा सैनिक पहुंच चुके हैं। Ситуація на фронті, ну, зрозуміло, що вона складна ситуація, але тим не менш, я вважаю, що останній тиждень потрішки вирівнюється ситуація на Донецькому напрямку, якщо ми говоримо про Покровський, тому що є різні напрямки, є різні виклики.
ये हालात देखकर ज़ेलेंस्की के होश फाख्ता हो गए हैं, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन को समझ नहीं आ रहा है कि यूक्रेन को रूस से कैसे बचाएं। इधर दूसरी तरफ रूस ने पूरे पूर्वी यूक्रेन में भयंकर कोहरा मचा दिया है। रूस ने यहां तक दावा किया है कि उसकी इस्कंदर मिसाइल ने डोनेस्क में अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम को तबाह कर डाला है। ये पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन की तरफ से हवाई सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि उसने यूक्रेन के एक 300 सिस्टम को भी नष्ट कर दिया है। रूस की 500 किलोमीटर तक मार करने वाली छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर ने यूक्रेनी सेना का धुआं निकाल कर रख दिया है। रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो की एक एक तस्वीर को देखिए, कितने प्रचंड हमले रूसी सेना यूक्रेन के कुर्स्क, पोल्टावा और पूरे डोनेस्क इलाके में कर रही है। तोप, लंबी दूरी के रॉकेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से जमकर हमले किए जा रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना किस तरह से हावी साबित हो रही है, जबकि नेटो लगातार ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को धोखा देता जा रहा है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि पश्चिमी देश रूस और पुतिन को सीधी और गंभीर चेतावनी देने से डरते हैं। ज़ेलेंस्की ने यहां तक कह दिया है कि नेटो रूस से बहुत डरा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह भी कह दिया है कि यूक्रेन और इसराइल की मदद करने को लेकर पश्चिमी देश पाखंड कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। 13 सितंबर को ज़ेलेंस्की ने कहा कि पश्चिमी देश और नेटो इसराइल की मदद के लिए मध्य पूर्व में इसराइल के दुश्मनों के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराते हैं, लेकिन जब यूक्रेन की बात आती है तो नेटो इसराइल जैसी मदद यूक्रेन की नहीं करता है। ज़ेलेंस्की के इस बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेटो इसराइल को जितवा रहा है और यूक्रेन को हरवा रहा है। ज़ेलेंस्की का यह भी कहना है कि यहां तक कि नेटो इसके लिए भी तैयार नहीं हो रहा है कि वो लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर घुसकर हमला करे। नेटो पुतिन को रूस से घबरा गया है। कुल मिलाकर अब हालात ये हो गए हैं कि रूस ने यूक्रेन और नेटो के सामने दो ही रास्ते छोड़े हैं, या तो यूक्रेन रूस के सामने सरेंडर कर दे या फिर रूस के साथ परमाणु युद्ध करे। खबरें लगातार